हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम टू मॉम्स किड्स केयर। पत्ता गोभी में कीड़ा निकल रहा है, सफ़ेद कलर का, इतना बड़ा बड़ा कीड़ा, वो तो आपने देखा ही होगा वो वीडियो। मेरे पास ये गोभी है, इसको मैं काटूंगी। चलिए देखते हैं इसमें कीड़ा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये पत्ता गोभी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, स्पेशली बच्चों को ये गोभी खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और पूरा कंप्लीट बात जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सब्सक्राइब करें मॉम्स किड्स केयर यूट्यूब चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है। और हमारा लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाइए। मेरे पास एक वीडियो आया था जिसमें एक आँख का ऑपरेशन हो रहा है, इतना बड़ा कीड़ा निकल रहा है आँख से, वो पत्ता गोभी का कीड़ा था, ऐसा कुछ वीडियो आया था। जब मैंने उसको देखा तो पत्ता गोभी खाना या ना खाना वो मेरे दिमाग में बाद में आया। पहले मेरे दिमाग में ये आया कि आज तक मैंने जितना गोभी खाया है तो मेरे बॉडी में कितना सारा कीड़े होंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको हम काटते हैं, ये गोभी को देखते हैं कीड़ा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे गोभी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बच्चों को खिलाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मेरे पास ये गोभी है, चलते हैं इस गोभी को और थोड़ा छोटा पार्ट कर देते हैं। इसको मैंने काट लिया है, देखते हैं इसमें कीड़ा है कि नहीं। दिख रहा है आपको कोई कीड़ा? मुझे तो कोई कीड़ा नहीं दिख रहा है। चलो और थोड़ा उसको काटते हैं, देखते हैं। आप घर में भी, आप जो पत्ता गोभी जब भी खरीदिए उसको पहले ऐसे काटिए और देखिए कि आपके गोभी में शायद कीड़ा निकल जाए। मेरे गोभी में तो बिल्कुल अभी तक नहीं निकला, देखिए दिख रहा है आपको? उसका मतलब गोभी में कोई कीड़ा नहीं है, इसको खाना चाहिए। जी नहीं, गोभी में टेप वर्म होता है। और ये खाली पत्ता गोभी नहीं, पालक में भी होता है, ब्रोकोली में भी होता है, कॉलीफ्लावर में भी होता है। तो अगर सब में ये टेप वर्म होता है तो बात खाली पत्ता गोभी नहीं खाने का क्यों हो रहा है? ये इसलिए, आप पालक को देख लीजिए, जब पालक आप बनाते हैं उसको पहले साफ करते हैं, फिर उसके बाद कुक करते हैं। पालक को तो कच्चा खाया नहीं जाता, तो उसमें जो हम जो साफ करते हैं कुक करते हैं उसमें रहा बात टेप वर्म का, वो मर जाता है, उसका अंडा बचा कुछ अंडा वो भी मर जाता है। लेकिन गोभी हम जो बाहर नूडल्स खा रहे हैं उसमें गोभी कैसे ऐसे लंबा लंबा काटा जाता है, तो ऐसे लंबा लंबा काटने से तो चांसेस रहता है ना कि कीड़ा नहीं मरने का। और उसका जो अंडा, कितना छोटा साइज का अंडा होता है इसका, स्टर फ्राई में चांसेस रहता है, अंडा पूरा नहीं मरता है। और ये पत्ता गोभी आप खुद देखिए कि कैसा स्ट्रक्चर इसका है, इसमें तो आसानी से कोई कीड़ा छुप के रह सकता है। और पत्ता गोभी कहीं कहीं हम लोग जो पार्टी फंक्शन जाते हैं वहाँ पे सलाद में तो कच्चा गोभी डाला जाता है, और ये कच्चा गोभी कितना ये साफ है, कितना इसको अच्छे से धोते हैं उसको तो आप श्योर नहीं है, उससे चांसेस रहता है टैप वर्म या उसका अंडा हमारे पेट में जाने का। और ये अंडा पेट में जाके इंटेस्टाइन में हमारा खाना खा के ये आसानी से बड़ा होता है और उसका ग्रोथ और भी ज़्यादा होता है। और ये पैरासाइट्स की वजह से पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है। तो इसीलिए आप जब भी गोभी खाएं तो उसको अच्छे से पहले धोएं। उसको धोने के बाद कच्चा तो मैं, मेरे हिसाब से बोला जाए तो कच्चा तो नहीं खाना चाहिए, और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आप तो चलो चबा चबा के खा लेंगे, बच्चों का क्या है, वो तो निकल जाएंगे, वो तो अच्छे से चबाएंगे भी नहीं। तो इसीलिए बच्चों को उसको कच्चा तो बिल्कुल भी ना दें। और अगर नूडल्स खा रहे हैं तो बेटर है बाहर का ना खाएं, घर में बनाइए। घर में बना के गोभी को अच्छे से फ्राई करिए। और रहा बात हमारे इंडियन कुकिंग का, हम तो पहले इसको धोते हैं फिर उसके बाद उसको काट के फ्राई करते हैं, उसमें तो आधा कीड़ा मर ही चुका होगा, जो बचा कुचा उसका अंडा रहा उसको फिर जब हम मसाले में डालते हैं, कीड़ा तो क्या, उसका अंडा भी फिनिश हो चुका होगा। तो इंडियन कुकिंग में उतना ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है, पत्ता गोभी खाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो ऑलरेडी हम इतना कुक करते हैं इसको कि उसका अंडा तो मर ही चुका होगा। लेकिन जो लोग कच्चा गोभी खा रहे हैं उनके लिए स्पेशली ध्यान देने वाला बात ये है कि बाहर का तो खाएं ही नहीं, आप तो श्योर नहीं है ना कि इस गोभी को अच्छे से धोया गया है कि नहीं धोया गया है। अगर ऐसा कुछ बात आ रहा है, इसमें तो होता ही है टैप ऑन, तो
बेटर है बाहर ना खाएं। खाना है सलाद, घर में बनाइए। पहले गोभी को अच्छे से गर्म पानी में धोइए। धोने के बाद इसको आप अच्छे से काट के, छोटा छोटा उसको अच्छे से एकदम स्लाइस स्लाइस काट के उसके बाद उसको खाइए। उससे काफ़ी हद तक उसका अंडा, टैप वर्म, वो सब निकल जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। और दूसरे पेरेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए।